बार, दस बार तीन तीन छक्के और छक्के छुड़ा दिए 25 बॉले पहले। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान और इंडिया की यंग टीम ने एक बार फिर से साउथ अफ्रीका की मेन टीम को जबरदस्त किस्म की शिकस्त से दोचार कर दिया और इंडिया ने 278 का टारगेट सिर्फ और सिर्फ तीन विकेट्स के नुकसान पर चेस कर लिया। और अय्यर शानदार किस्म की बैटिंग आज अय्यर की तरफ से देखने को मिली और ईशान किशन, इन दोनों ने मिलकर आज धूम मचा दी और जबरदस्त किस्म की फतह जो है वो इन दिनों दोनों ने जो है वो हासिल करवाई टीम इंडिया को। अबे 340 भी चेज हो रहे थे यहाँ पे, देख लो 45 ओवर में चेज कर गया इंडिया भाई, थोड़े से दिमाग खोल के दे बोला करो। क्या बैटिंग की है ईशान किशन ने आज, मजा आ गया और क्या बैटिंग। तो दोस्तों जैसा कि आपने ये रिएक्शन देखा है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी ओडीआई सीरीज चल रही है इसकी जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी नीचे है, बट पाकिस्तान के जो ये लोग हैं ये लोग काफ़ी देख रहे हैं। इंडिया में तो काफ़ी व्यूअरशिप नीचे है। एग्जैक्टली ये नंबर है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये है व्यूअरशिप नीचे। इंडिया की बी टीम खेल रही है और बी टीम ने साउथ अफ्रीका की मतलब सेमी ए टीम बोल सकता हूँ मैं उसको हरा दिया है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। जबरदस्त खेला ईशान किशन, सुरेश अय्यर ने, मैं चाहता था ईशान किशन सेंचुरी पूरी करे जिस तरीके से उसने बैटिंग की तो मैं चाहता था, बट क्या कर सकते हो यार, अब हो गया आउट। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस मैच के बारे में पूरी डिटेल में बात और जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें से कौन से प्लेयर यहाँ से उठाए जा सकते हैं उसके बारे में भी करते हैं बात। 50 ओवर का वर्ल्ड कप भारत में होना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। चौकों का ठेका जनाब वो श्रेयस अय्यर ने, और क्या ही शानदार किस्म की चेज में सेंचुरी आई है। वो अनलकी रह गया 93 पे आउट हुआ, वरना उसने भी कोई हाल जो बुरा किया है, 7 छक्के, मतलब ये हमने आईपीएल में देखा था कि वो उसमें बिल्कुल पोटेंशियल है और बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग करता है वो। आज इंटरनेशनल में शायद के पहली दफा देखा कि भाई इंटरनेशनल में भी जाहिर है कि उस पर काफी ज्यादा भरोसा जताया था। भरोसा था तो पिछले साल वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नीचे आ गया था, ईशान किशन को ऊपर भेज दिया था। ही इज रियली गुड, और चौके और छक्के, खास करके जो छक्के मारने की सलाहियत है इसका, बैट स्विंग जो है वो हमने 2020 वाले आईपीएल में खास करके देखा था, क्योंकि छक्के मारने वालों की फहरिस्त में ये कोई दूसरे या पहले या तीसरे नंबर पे ही था। जेन से मेरे निकल गया आज, ना ना आज अंडरग्राउंड हो ही जाना तो रिजवान अदर साहब इस पिच पे तो रन नहीं बनते, ये पिच तो स्लो हो जाती है, इस पिच में कांटे निकल आते हैं, डड्डू निकल आते हैं, सांप निकल आते हैं और क्या क्या निकल आता है। तो नजर आया बेटा स्कोर कैसे आता है, वाह वो 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 नोकिया द फास्टेस्ट बॉलर दस बार तीन तीन छक्के और छक्के छुड़ा दिए 25 बॉले पहले। आपको बोला था कि आज सिराज ने जो बॉलिंग की है, आज जो ये 40 से 45 रन कम हुए हैं, इसका साइकोलॉजिकल एक हमेशा इंपैक्ट होता है। जो नहीं मानता आई डोंट केयर, अब कहे ना कि मोहसिन भाई चार आपने आज कही, इंग्लैंड जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जब लोग खाते गफलत में सो रहे थे कुछ और बगैर, उस वक्त ये प्रिडिक्शन दी थी जब 278 स्कोर लगा था पिच में जनाब, बॉल बैठ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगी। हालांकि धवन जो है वो अभी भी देखे, कुछ लोग T20 में धवन को लाना चाह रहे हैं, कप्तानी देख लें, बैटिंग देख लें, लेकिन क्या बैटिंग की है ईशान किशन ने आज, मजा आ गया और क्या बैटिंग की है अय्यर ने। इस वक्त एट प्रेजेंट इंडिया में, लेट मी से दिस, मैं समझता हूं स्पिन बॉल का इंडिया में अय्यर से अच्छा बड़ा बैट्समैन कोई नहीं, और आज इसने होमवर्क किया हुआ था शॉर्ट पिच बॉलों में भी, जिस तरह खेला, जिस तरह काउंटर किया, देखे बहुत शानदार। बार बार लोगों को एक चीज कह रहा हूं कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल है, शॉर्ट पिच बॉलों पे कवर कर ले, थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव लाए, देखे नखरा, और जो बकरी मेंगड़े देती है ना वो दूध भी देती है, तो उसके मेंगड़े पसंद आते हैं। तो सुरेश अय्यर में ईशान किशन 15 करोड़, 18 करोड़ फलाना, आज जिस तरह धोया ना इसने साउथ अफ्रीकन पेस बैटरी को, ओ, और नोकिया मिड विकेट पे जो छक्के मारे, मिड नोकिया एट प्रेजेंट, मैं समझता हूं जितनी शानदार, जितनी जानदार, और इसे कहते हैं बैटिंग विद सेंस। कुछ लोग कह रहे जी अय्यर वो है,
किशन बहुत वाले इंटर कर रहे हैं, मैं कह यार भाई उसको खड़ा रहने दे, ही हैज मोर देन एबिलिटी ऑफ मेकिंग आधी बॉलिंग डॉट खेल, लेकिन छक्के भी तो मारे एक ऐसे रन के ताकुब में जिसके लिए मेरा खास तौर पे यही था कि साउथ अफ्रीका की ये टीम जो इंडिया की प्लेइंग 11 के सामने बहुत मजबूत नजर आ रही है आज यार रांची में जिस अंदाज से 279 चेस करने के लिए जब वो जा रहे थे तो मुझे आज तब्दीलियों के साथ जिसमें ऋतुराज गायकोट को ना लेकर इन्होंने आज वॉशिंगटन सुंदर को ऐड किया था, यानी कि एक ऑलराउंडर ऐड किया बॉलिंग बैटिंग की जगह, वहां पर आज ईशान किशन ने जिन पर 15 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा मुंबई से 15 करोड़ उनपे लगे थे तो उनके ऊपर जो है ना जनाब एक काली बला चढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि उनका बल्ला अब उठेगा नहीं क्योंकि रकम ज्यादा लग गई है उनकी उस रकम के नीचे शुरू में तो आज कैसे खेल रहा। आज देखे यार आज कम से कम आपको ये तो यकीन आया कि ईशान किशन को भी खिला सकता है शेरियाज अय्यर, खुद खेले ना खेले वाले उससे कुछ हुआ ना हो, मगर यार अगर अभी इस मैच को अगर आप देखें तो आज जो मैच का मोमेंटम बनाया ना वो अय्यर ने बनाया। मैं आपको सच बात बताऊं, जब आज उसके बल्ले पे बॉल आ रहा था ना जिस छपाके से बॉल आते ही और चौका लग रहा था और एक ऐसे मूवमेंट पे जब ईशान किशन स्ट्रगल कर रहा था और वहां से बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं यही कह रहा था कि यार जिस अंदाज से ये बिल्कुल पूरी बॉडी ला के रोकने की कोशिश रबाडा को कर रहा है और उसको पार्नल को कर रहा है तो वहां पूरे एक घंटे मारा है, पूरे एक घंटे जैसे आप सेलुलर नेटवर्क का पैकेज होता है ना आप कॉल मिलाते हैं तो 59 मिनट और 58-59 सेकंड पे वो कटती है तो पूरे एक घंटे मारा है इन दोनों। तो आज 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 उनका बबूमा तो खेला नहीं मगर इनके बबूमा ने जो ईशान किशन है उसने अपने होम टाउन में आज लाल मट्टी का बदला लिया है, काली मट्टी पे जैसे ही उसका बल्ला चला है उसके बाद आपने खुद देखा हो कि एक वक्त ऐसा आया था कि आर्टिस्ट नॉट के इस बात पर उलझ रहे थे कि यार मैं फास्ट बॉलिंग कराता ही क्यों, मतलब यार वो तो मतलब रेप कर दिया एक ऐसे बॉलर का जिसकी स्पीड के बारे में आने वाले बच्चे को भी पता है बहुत तेज बॉल मारता है, एक ऐसे मोमेंटम को उन्होंने कैरी किया मतलब ये आसान नहीं था। देखे छक्का मारना सबसे मुश्किल काम होता तो है यार, डीयू हर जगह होता है, पाकिस्तान ने 152 चेस किया वहां भी डीयू था, पूरे दुबई में डीयू था, यहाँ भी डीयू, लेकिन डीयू जब पड़ा है ये लोग मुश्किल समय गुजार चुके थे। 340 भी चेस हो रहे थे यहाँ पे देख लो, 45 ओवर में चेस कर गया इंडिया, भाई थोड़े से दिमाग खोल के बोला करो कि ड्यू था ड्यू तो क्या बबुआ को नहीं पता था, जो आज केशव महाराज ने टॉस करके बैटिंग ली क्या वो नहीं जानता था क्या, वो नन्हे काके मुन्ने आए क्या, वो फीडर पीते हुए आए क्या, या पैंपर पहनकर आए उनको पता चल गया कि यहाँ पे ड्यू, भाई उन्होंने आज अपने अंदाज से बिल्कुल ठीक रन थे, इंडिया की जो बैटिंग है वो ऐसी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला ये वीडियो होता है खत्म, आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी इस मैच को ज़्यादा गौर से देख रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन, मैं ये रियली बता रहा हूँ, हालांकि जो लोग घर में रहते हैं वो मैच देखते रहते हैं तो भारत में क्रिकेट बहुत फेमस है बट अब थोड़ा सा हो गया है कि ODI मैचेस को एज़ कम्पेयर टू T20 मैच कम देखा जा रहा है, लेकिन देखने वाले देखते हैं भले आवाज़ बंद करके देखें मोबाइल चलाएं लेकिन वो मैच देखते हैं। तो इस मैच की कहानी बताऊं आपको, पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 278 रन का टारगेट दिया 7 विकेट के नुकसान पर, जिसको भारत ने आसानी से चेस कर लिया, भारत ने 282 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर। आपको बता दूं कि जो धवन है हमारे स्टार प्लेयर जिनको नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप में डेफिनेटली खेलना है वो तो सिलेक्टेड है यहाँ से, उनका बल्ला अच्छा नहीं चल रहा है, धवन बेचारे एक तो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और उसमें भी अगर फ्लॉप हो रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है, उनको बहुत जल्दी कमबैक करना होगा। और गिल साहब को भी बहुत मौके मिल रहे हैं, अब तक विराट कोहली आपको याद होगा गिल मतलब जब गिल की उम्र के थे तो उन्होंने ये मौके छोड़े नहीं थे तभी आज वो विराट कोहली, तो गिल को साबित करना पड़ेगा कि भाई ये मैचेस जो भारत में हो रहे हैं इनको मत छोड़ो, MS धोनी ने भी ये मौके नहीं छोड़े थे। तो ये जो बड़े प्लेयर रहते हैं उनके पैर दिख जाते हैं कि यार ये कितने बड़े प्लेयर बनेंगे, तो ये गिल जो मौके छोड़ रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गिल को रन बनाना पड़ेगा, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और ईशान किशन पहली बार उन्होंने 90s का आंकड़ा क्रॉस किया ODI में और सेंचुरी डिजर्व करते थे, 7 छक्के मारे उन्होंने और अच्छा खासा खेल रहे थे, बट अब ठीक है एग्रेसिव बैट्समैन है बट सीरियसली थोड़ा सा सीरियस होकर सेंचुरी कंप्लीट करनी चाहिए थी, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता उनका। अय्यर साहब बहुत तगड़े दावेदार हैं ODI टीम के लिए, हालाँकि T20 में तो इनकी जगह खा गए हैं सूर्या
लेकिन ओडीआई टीम के लिए तगड़े दावेदार हैं, और हो सकता है कि यही मतलब मुझे इसमें से मतलब जो दो प्लेयर पिक लग रहे हैं वो है एक शिखर धवन, दूसरे हैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ श्रेयस अय्यर, और बॉलिंग की बात करें तो भारत की बॉलिंग यहाँ से कौन प्लेयर उठाए जाएंगे, मेरे हिसाब से सिराज को रखा जा सकता है, साथ ही साथ ठाकुर एक ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं और कुलदीप यादव को भी रखा जा सकता है, बाकी वॉशिंगटन सुंदर तो मुझे नहीं लग रहा कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप की टीम में होंगे, शहबाज़ अहमद ऑब्वियसली डेब्यू अभी हुआ है नहीं होंगे, आवेश खान का भी मुश्किल सीन लग रहा है। तो दोस्तों ये जो टेस्टिंग चल रही है टोटली नेक्स्ट ईयर इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप जितने भी ओवरऑल क्रिकेट के इवेंट होते हैं उसमें सबसे तगड़ी होती है, इवन आईपीएल से भी ज़्यादा हो जाती है, तो आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप का अब सीन चालू हो गया। और नेक्स्ट ईयर क्या है यार, अब कितने दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद वर्ल्ड कप है, तो देखते हैं अब होता क्या है। भारत में वर्ल्ड कप है, लास्ट टाइम भारत में वर्ल्ड कप हुआ था याद है आपको 2 अप्रैल 2011, छोटे रहे होंगे आप, मैं भी छोटा था, बट अभी तक दिमाग में है वो सीन, जैसे ही भारत के फाइनल में 2 विकेट गिरे थे बहुत टेंशन हुई थी, फिर आते हैं गौतम गंभीर और बेहतरीन तरीके से विराट कोहली उनका साथ देते हैं, और फिर विराट कोहली का एक सॉफ्ट डिसमिसल होता है, मुझे लग रहा था विराट कोहली और गौतम गंभीर ही मैच फिनिश कर देंगे, उसके बाद आते हैं एमएस धोनी, गौतम गंभीर एमएस धोनी की शानदार पार्टनरशिप, दबाव बिल्कुल निकाल देते हैं एमएस धोनी, और गौतम गंभीर एक बहुत गलत शॉट खेल के आउट होते हैं, आगे बढ़कर वो स्टंप हो जाते हैं, उनको भी सेंचुरी वहाँ पर मारनी चाहिए थी और इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, और डेफिनेटली वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकते आप, तो ऐसा सिनेरियो आना चाहिए हमारे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा भी तीनों की तिकड़ी वर्ल्ड कप डिजर्व करती है, हालांकि विराट कोहली तो विनिंग टीम का हिस्सा थे, रन भी बनाए थे, लेकिन ये अगर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का तो ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है 50 ओवर का, विराट कोहली का आइडिया नहीं, शिखर धवन की भी फिटनेस अच्छी है बट फॉर्म पर डिपेंड करेगा, बट रोहित शर्मा की जो फिटनेस है उस हिसाब से मुझे लास्ट वर्ल्ड कप लग रहा है, तो डेफिनेटली विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा की तिकड़ी वर्ल्ड कप डिजर्व करती है, आपको क्या लगता है।